वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपके साथ एक ऐसी खास रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत सारी चीजों में हमारे यूज में आती है। जी हाँ, मैं आज इमली की चटनी शेयर करूंगी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और ये बहुत ही इजी रेसिपी है। ये चटनी हम दही वड़ा, इडली डोसा, पानी पताशे, पकौड़ी, भेलपूरी, छोले भटूरे, छोले कुलचे, बहुत सारे ऐसी रेसिपी है जिसके साथ हम इसको यूज में लेते हैं। साथ ही साथ मैं आपको कुछ टिप्स के द्वारा बताऊंगी कि कैसे हम इमली की चटनी को 6 महीने तक सेफ रखें, किस तरह ये सुरक्षित रह सकती है। तो मेरा वीडियो बिना स्किप किए आप देखें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप इमली ली थी। इसके मैंने बीज निकाल दिए थे और 1 गिलास पानी में मैंने इसको 1 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। आप देख सकते हैं 1 घंटा हो गया है और इमली भी फूल के डबल हो गई है, अच्छी तरह से ये सेट हो गई है। तो अभी हमें इसको पीसना है। मैंने यहाँ पर मिक्सी का जार लिया है, इसमें ये पल्प मैं ऐड करूंगी। ये पल्प हम इसमें डाल देते हैं, सारा पानी इसमें हम ऐड नहीं करेंगे वरना पीसने में दिक्कत आएगी। थोड़ा पानी ही अभी हमें डालना है, बाकी का पानी हम बाद में काम में ले लेंगे। मैंने 1 कप इमली ली तो 1 कप में इसमें शक्कर ऐड करूंगी। आप चाहे तो गुड़ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। गुड़ ऐड करने के लिए जब आप इमली भिगोए उसी समय गुड़ को भी आप उसी पानी में भिगो दे। और यदि आपने जैसे 50 ग्राम इमली ली है तो इसमें आप 100 ग्राम शक्कर ऐड कर सकते हैं, और शक्कर नहीं डालना चाहे तो इसमें आप 100 ग्राम गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। गुड़ और शक्कर यदि आप दोनों ऐड करना चाहे तो 50 ग्राम गुड़ और 50 ग्राम शक्कर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक लेना हमें स्वाद अनुसार। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया है काला नमक, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लिया मैंने यहाँ पर सेकवा जीरा, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हमने लिया है सूखा पुदीना, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे, इससे खुशबू अच्छी आती है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया गरम मसाला, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। इसका अब हम फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। बिल्कुल हमें इसको बारीक पीसना है। अब देखिए बिल्कुल इसका जो है बारीक पेस्ट तैयार हो गया है। अब इसको हमें छानना है। छानना इसमें बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें जो रेशे होते हैं इमली के वो छानने से ही बाहर आएंगे। तो इसको हम एक बार छानेंगे। पहले जो पानी हमारा बचा हुआ था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि छानने में आसानी हो, क्योंकि बहुत गाढ़ी हो गई है। इसको एक बार हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसको हम छान लेते हैं। ये देखिए बड़ी आसानी से ये छन जाती है। इस तरह इमली को हमें अच्छे से छानना है ताकि इसका जो मोटा पार्ट है वो ऊपर रह जाए। ये देखिए इस तरह इमली बनकर हमारी तैयार हो गई है। आप चाहे तो इस तरह भी इसको यूज में ले सकते हैं, लेकिन यदि हमें इसको लंबे समय तक सेफ रखना है तो हमें इसको पकाना होगा। और पकाने के लिए मैं इसको एक पैन में डालूंगी। इस पैन में हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। पैन को मैंने गैस पे रख दिया है और फुल फ्लेम पे हमें इसको पकाना है। जब ये बिल्कुल उकलने लग जाए तो इसकी फ्लेम को हम कम कर देंगे और बीच बीच में इसको हम हिलाते रहेंगे। कम से कम 10 मिनट तक हमें इसको पकाना है। 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए चटनी जो हमारी बनकर तैयार हो गई है, काफी गाढ़ी भी हो गई है। यदि इमली खट्टी है तो शक्कर की क्वांटिटी ज्यादा डलेगी, और यदि इमली मीठी है ज्यादा खट्टी नहीं है तो हमें शक्कर कम डालना है। इमली की चटनी को अब हम एक बाउल में निकाल लेंगे। इमली की खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार हो गई है। जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी वैसे वैसे ये और गाढ़ी हो जाएगी। मैंने चटनी को प्लेन ही रखा है, इसमें ड्राई फ्रूट ऐड नहीं किए हैं क्योंकि ये चटनी मैंने चाट के लिए बनाई थी, तो चाट के लिए चटनी प्लेन ही होती है। इमली की चटनी को बहुत समय तक हमें सुरक्षित रखने के लिए इसको हमें बिल्कुल ठंडा होने देना है और खूब अच्छी तरह से इसको 10 से 15 मिनट तक पकाना है। जब ये पूरी अच्छी तरह से ठंडी हो जाए तो एयर टाइट कंटेनर में भर कर हम फ्रिज में रखें तो 6 महीने तक खराब नहीं होगी, और बाहर रखें फ्रिज के तो 1 महीने तक ये चटनी खराब नहीं होगी। ये रेसिपी बहुत ही इजी है और बहुत जल्दी बन जाती है। आप जरूर एक बार इसे ट्राई कीजिए। और मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक तो बनता ही है, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। मेरे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। और यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।